नमस्कार, मैं नेहा न्यू मॉर्निंग टीवी से। जैसे कि हम जानते हैं, पिछली बार राजेश वर्मा जी से हमने बातचीत की, उसके बाद में हम लोगों ने सर्वे किया, जितने भी दावेदार खड़े हैं उनके बारे में, उनकी पसंद नापसंद को जानते हुए हमें पता चला कि राजेश वर्मा जी को काफ़ी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो जिसके लिए आज हम राजेश वर्मा जी से बात करेंगे। नमस्कार राजेश वर्मा जी, जैसे कि पिछली बार आपसे मेरी बातचीत हुई थी, ठीक है, हमने आपके ओपिनियन जाने, उसके बाद में हम सर्वे किया, तो हमने लोगों के बीच में जाके जाना कि वो आपकी पर्सनैलिटी को, आपके व्यवहार को, आपके काम के तरीके को बहुत पसंद करते हैं। ऐसी क्या बात है जो वो आपको इतना पसंद करते हैं? सबसे पहले तो मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ आपके माध्यम से, जिन्होंने मुझे ज़्यादा पसंद करके अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह, अपना प्यार मुझे भेजा है। रही बात कि लोग मुझे पसंद क्यों करते हैं, दो चीज़ें हैं जी। एक तो मेरी परवरिश जो मेरे माता पिता ने मुझे दी है जी। उन्होंने मुझे मेहनत से खाना कमाना सिखाया ईमानदारी के साथ में जी। दूसरा है जी मेरे आदर्श अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी और भी शीर्षस्थ नेता जो भी हमारे पार्टी के हैं, वो मुझे प्रेरणा देते हैं कि मुझे जनता के बीच में, जनता के साथ में किस तरह काम करना चाहिए, किस तरह व्यवहार मुझे करना चाहिए, उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है। जैसे कि हमने एक चीज़ और भी नोटिस की है, देखा है कि वार्ड्स में सभी लोगों के पोस्टरों की बाढ़ आ रखी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पोस्टर और बैनर या करना वो एक अलग माध्यम है जी। जनता के बीच में काम करना एक अलग चीज है जी। जैसे कि आपने कहा कि मेरे जनता मुझे पसंद करती है, तो आपको मेरे बैनर पोस्टर बहुत कम दिख रहे होंगे जी, क्योंकि मैंने लोगों के बीच आज तक अपनी जिम्मेदारी को बड़ी ईमानदारी के साथ निभाया है। मेरा एक ही रहा कि जितना कर सको उतना कहो जी। और जो कहो उसे पूरा करो। आपकी कार्यशैली कैसी है जिस वजह से जनता आपको बहुत पसंद करती है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, आम तौर पे राजनीति में क्या होता है कि लोग जो हमारे नेतागण हैं किसी पार्टी के या कार्यकर्ता कुछ हैं, वो जनता उनके पास बार बार जाती है अपनी समस्याओं को लेकर और चक्कर काटने पड़ते हैं जी। तो वो परेशान होते हैं, कई बार वादे पूरे होते हैं, कई बार नहीं हो पाते हैं, कोई ध्यान दे पाता है, कोई नहीं दे पाता। तो मैंने सबसे जो मेरी कार्यशैली रही, जब से मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी, मेरे को मेरे जो हमारे विधायक रहे उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, जैसे नितिन त्यागी जी ने मुझे हलवों की जिम्मेदारी दी थी, तो मैंने लोगों मुझसे कभी आता था फ़ोन के, सर आप मेरा पानी का बिल गलत आया, आप कहाँ मिलेंगे जी। तो मेरा एक ही जवाब होता था कि मैं कहीं नहीं मिलूँगा, आपके प्रॉब्लम क्या है पानी के बिल की, आप अपना पानी का बिल मुझे भेज दीजिए। वो आपके ऑफिस भेजते थे? नहीं, मुझे व्हाट्सएप करते थे। अच्छा। मैंने अपने कार्ड बनवाया हुआ था जिसमें समस्या जी, उनका पूरा एड्रेस जी, नीचे उनका नाम और नीचे उनका मोबाइल नंबर, मुझे कह रहे मुझे आप परेशान मत होइए, इस फॉर्मेट में मुझे आप अपना समस्या भेज दीजिए, उसका समाधान मैं करूँ। किसी को सीवर की समस्या है, वो लिखेगा सीवर ओवरफ्लो, मेरा पता ये है, मेरा नाम ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, ये मैंने कार्ड छपा थे, कार्ड के बैक साइड में मेरा लिखा हुआ था, मैंने सबको देता था। बहुत अच्छी बात है। तो वो उनको पहुंचते थे। अब लोग इससे बड़े खुश थे कि यार हमें जाना ही नहीं पड़ता, पानी का बिल आया जी। उन्होंने कहा जी पानी का बिल मेरा गलत आ गया, बिल भेज से मंगवा लिया उनसे जी। मैंने बिल को जल बोर्ड को दिखाया, उनसे ठीक करवाया और वो बिल को मैंने व्हाट्सएप पर उनको भेज दिया, मैंने कहा आप निकलवा लीजिए। अब जनता लोग अपने घर पर रहे कि वो नौकरी पर जा रहे हैं, कोई अपना दुकान चला रहा है, कोई अपने मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है जी। तो वो लोग जो है इस बात से बड़े खुश होते थे कि हमें कहीं आना नहीं पड़ा, कहीं जाना नहीं पड़ा और हमारा काम हो गया, इस व्यक्ति ने रिप्लाई करा। अगर कोई काम मैं नहीं करवा पाता तो प्रॉपर उनको मैं गाइड करता हूँ कि आप ये कर लीजिए तो आपका काम इस तरीके से हो जाएगा, बिजली की समस्या हो, कुछ समस्या हो तो वो। और दूसरा मैं अपने आप उसको देखता हूँ। दूसरा, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं रास्ते मुझे दिखा यार सीवर का ढक्कन, मैंने देखा उस मकान का, पूछा जी हाँ जी आपका मकान नंबर क्या है, खुद ही उसकी कंप्लेन डाल दी कि ये गलत है हमारा, इसको ठीक करवाया जाए। बस पब्लिक इसी से खुश है और कुछ नहीं, क्योंकि देखिए आपको जनता के बीच में रहकर जनता के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरा, जब आप किसी पद पर होते हैं तो आप अपनी सरकार या उस चीज़ को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो जनता के प्रति आपका उत्तरदायित्व बनता है जी। बस मैंने उसी को निभाया
अब जैसा भी है वो जनता बताएगी, जनता बता रही है। देखिए आप भी जनता से ही निकले हैं तो ऑब्वियसली है कि जनता ही इस चीज़ को समझ सके और आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी कोई अलग नहीं है, जनता के बीच में से ही है। तो जब आप उसमें से निकले, आपने उनके लिए इतना इजी वे निकाला कि व्हाट्सएप के थ्रू आपको अपनी कंप्लेंट्स दे सकते हैं, आप उनको सॉल्व कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। बाकी मैं सबके तरफ से थैंक्स बोलना चाहूँगी। बाकी आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज मैं बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों के बीच में जाकर मेरे बारे में जाना, शायद आपके माध्यम से मुझे ज़्यादा पता चला है। मैं उन सभी लोगों को एक बार पुनः जिन्होंने मुझे ज़्यादा पसंद करके मुझे अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना स्नेह दिया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसा ही स्नेह और अपना प्यार बनाए रखें। आगे अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपकी और अच्छे तरीके से मैं सेवा करता रहूँगा। थैंक यू। जैसे कि आपने देखा, हमने फिर दोबारा बातचीत की राजेश वर्मा जी से, उनके फिर से हमने ओपिनियन जाने जो बहुत अच्छे हैं। आई थिंक ये जनता भी देख रही है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, उनको इजी वे मिल रहा है। हमारे खास मेहमान राजेश वर्मा जी, आज हमने इनसे बात की। फिर दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।